हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वाइट ब्लॉगर। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करो सारे बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं बना रहा हूँ सेटअप टूर, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे भाई के इंस्टाग्राम और मेरे इंस्टाग्राम पे यही आते सेटअप टूर बनाओ बनाओ बनाओ। तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि सेटअप टूर मैंने पिछले वाले चैनल पर बना दिया, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लो। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। ये पीछे लाइट क्यों लगेगा, इसे बैकग्राउंड लाइट था। अगर मैं कंप्यूटर की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें को मेरा शक्ल दिखती नहीं होगी, लाइट जलाती पड़ती होगी, तो मैंने पिछले से लाइट लगाई है। सो चलो आप लग रहे हो कि लाइट अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी लगती है अंधेरे में लाइट। सो देखो देखा कि कितना अच्छा लगता है जब ये लाइट बंद हो जाती है। सो चलो मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कितने प्राइस भी है, मैं उनका भी खोल के दिखा दूँगा। सो चलो। सो गाइस इस कीबोर्ड की बात करते हैं, इस प्यारे चमकते चमकदार कीबोर्ड की, ये है रेड गियर का कीबोर्ड। सो गाइस इसकी प्राइस की बात करें, सो ये है 899 कीबोर्ड, 899 प्राइस का। सो इसमें कलर चेंजेस भी है, जैसे पहले ये वन मोड, फिर उसके बाद वन मोड टू। सो गाइस डस्ट को इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है बाहर की साइड, तो यहाँ पे डस्ट आती रहती है। तो यहाँ फर्स्ट लाइट है ग्रीन, ब्लू, पे हॉट पिंक, और यहाँ पे थोड़ी सी पर्पल है। तो लाइट ब्लू पिंक, यहाँ पे थोड़ी सी स्किन टाइप की, और यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, तीसरी लाइट है ये ब्लू पर्पल, और यहाँ पे लेमन टाइप की। तो बस लास्ट बन रहा है, ठीक है। और ये दो फंक्शन है जो रेनबो टाइप की चलती है। सो अब हम बात करते हैं एवेंचे के माइक के बारे में। सो ये है RGB माइक। सो इसकी मैं बात करूँ, सो गाइस ये है 500 रुपीज़ का, क्योंकि ये छोटा सा माइक है। क्योंकि मेरे को वैसे कहीं चाहिए था, जो बड़े बड़े गेमर्स यूज़ करते हैं ना, वो स्टैंड वाला, वो वाला, तो वो वाला कहीं मिला नहीं है अभी, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसकी प्राइस की बात करते, मैंने बताया 500 इसका प्राइस है। और ये हमने नेहरू प्लेस से ख़रीदा था, ये हमने ऑनलाइन ख़रीदा है, ये हमने नेहरू प्लेस से ख़रीदा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इस माउस पैड की। ये है हमारे, ये है मार्शमेलो का पैड, जो मिला है मेरे को 199 यानी 200 रुपीज़ का। अब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, सो फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे भी बाय कर सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम, देख सकते हो आप। सो अब मैं बात करता हूँ अपने माउस की ज़िब्रोनिक्स का। गाइस मैंने कॉम्बो मंगाया था, जो मेरा कीबोर्ड है वो ख़राब हो चुका था, लेकिन ये वाला गाइस इसका कॉम्बो, अगर आपको ये वाला चाहिए तो ये आपको मिलेगा 399 में। सो ये मैंने ख़रीदा था, ये मैंने मंगाया था, मैंने ख़रीदा था भारतीय नेहरू प्लेस से। सो देख सकते हो एकदम न्यू, ब्रांड न्यू है, बिल्कुल इसकी क्वालिटी मस्त है गाइस। इसको परचेज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइस ये बहुत अच्छा वो है माउस की, अगर आप इसकी बात करते हो, उसका डिज़ाइन भी इतना खराब है। सो अब मैं बात करता हूँ कि मेरे इस कॉस्मिक बाइट के हेडफोन के बारे में। ये गाइस 1700 का है, जब मैंने मंगाया था तभी 1500 का था, लेकिन अभी महंगा हो चुका है। ये भी RGB है, इसके एक माइक है, जो भी माइक भी चलता है अच्छा वाला। सो ये हो गया 700। सो अब गाइस ये मेरा छोटा मॉनिटर, गाइस ये मेरा एक मेरा पहला बड़ा मॉनिटर था गाइस, बड़ा मॉनिटर क्यों वो ख़राब हो गया, क्योंकि ऐसे उसकी स्क्रीन यहाँ से चटक गई थी। अगर आप मेरी पहली वीडियो भी देखोगे तो चटक गई थी। सो पता नहीं क्या हो गया था उसके अंदर, लेकिन मैंने फिर गाइस ये लिया। सो ये छोटा वाला, क्योंकि अब मैं न्यू अपग्रेड करने वाला हूँ गाइस। मैं क्या क्या अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद खरीदने वाला हूँ, एक बड़ी स्क्रीन खरीदूँगा ये। सो एक बड़ी स्क्रीन खरीदूँगा और अपनी CPU में डलवाऊँगा मैं ग्राफिक कार्ड, और RGB बनवा दूँगा इसको मैं। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या गेम्स है। सो आपको बताता हूँ, इसमें हिट फॉर रिकॉर्डर, जिसमें मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एक जूम मेरे दोस्तों से बातें करने के लिए गेम खेलते हुए, एक है माइनक्राफ्ट, एक है वैलोरेंट, और एक गाइस इसके अंदर ना मेरे दो गेम हाइड है, इसके अंदर दो, एक है फोर्टनाइट और एक है GTA 5, जिसको मैं दिखाता नहीं हूँ
वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। और एक है गाइस रोब्लॉक्स आ गया गाइस, मेरा रोब्लॉक्स ये मैं ज़्यादा खेलता हूँ। सो और ये है मेरा ये गेटवे का, ठीक है। और मेरा ये है जीनियस का वेबकैम, बहुत खटारा वेबकैम है, बहुत खटारा वेबकैम है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खरीदना बस बिल्कुल भी, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये बेकार है, इसको परचेज करना, ये 299 रुपीज़ का बहुत बेकार है। सब चलते हुए सीपीयू के बारे में इसको इग्नोर करना, क्योंकि जब मेरी मम्मी ने फ़ोन लिया था उसके बाद एप्पल का स्टिकर मिलता है ना, तो मैंने इस पर वो लगा लिया। सो ये है मेरा आई बॉल का, ठीक है। ये डिस्क है लगाई हुई एल जी की, तो ये मिलेगा। ये मैंने ख़रीदा था तो कितने में ख़रीदा था, 10,000 में मैंने सीपीयू ख़रीदा था, देख सकते हो। तो ये है इन्वर्टर, कभी लाइट जाने के बाद बगैर पीछे 10-15 मिनट तक चल जाता है अच्छे से। सो ये भी मैंने ख़रीदा था 5,000, ये मेरे को ख़रीदा था मैंने 5,000 में नेहरू प्लेस से। और ये मुझे किसी ने दिया है HP का प्रिंटर जो बहुत अच्छा काम करता है, ये मेरे को उसका प्राइस नहीं पता लेकिन मैं आपको बता दूँगा। और ये है मेरी चेयर, ये मैंने ख़रीदी द्वारका से, सो आप देख सकते हो द्वारका से मैंने ख़रीदी थी, बहुत अच्छा प्राइस है। सो पहले कंफर्टेबल थी, पहले मैं ये वाली चेयर यूज़ करता था लेकिन अब मेरे को ये वाली चेयर यूज़ करनी पड़ी, ठीक है। सो गाइस आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, सो मैं आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे गाइस मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ कि गाइस जो इसका अमेज़न पे प्राइस है मेरे वाले कीबोर्ड का वो है 899 रुपीज़, जैसा कि मैंने बताया था 899 रुपीज़ इसका, 899 इसका बैठे यानी 900 रुपये। सो अब देखो मैं डेस्क का बताता हूँ इस माउस का प्राइस, जो इस माउस का प्राइस है वो है 349। गाइस जब मैंने नेहरू प्लेस से बाय करा था वो थोड़ा सा पता नहीं सस्ता देते महंगा दे रहे थे, तो गाइस देखो ये रहा इसका प्राइस। लेकिन इस मेरा वाला थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है क्योंकि ये अमेज़ॉन है, क्योंकि मैंने वहाँ से थोड़ा सा महंगा खरीदा क्योंकि तब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। सो मैं दिखाता हूँ इस माइक की, वो आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हम मिलते हैं आपको वीडियो में, थैंक यू सो मच।